नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वास और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, अभी हाल में ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से पूरा फिल्म जगत दहल गया है और लगभग सभी के दिमाग में एक सवाल आना शुरू हो गया है कि भारत में आखिर इतना ज़्यादा युवाओं की मौत हार्ट अटैक से क्यों हो रही है। तो मैंने सोचा कि जैसा कि आप सभी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों की संख्या हो चुकी है, परिवार काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो एक वैद्य के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाना सही समझा है। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो कि रिपोर्ट्स ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर मनचंदा ने भी BBC को सबमिट कर दिया है। तो आज हम उसी रिपोर्ट्स पर बात करेंगे और ये ज़रूर जानेंगे कि आखिर जो युवाओं को हार्ट अटैक हो रहे हैं वो किन 5 प्रमुख कारणों से पड़ रहे हैं। आप उन 5 प्रमुख कारणों को जानकर अपने परिवार में, आप खुद को और अपने सभी मित्रों को बताकर ऐसे हार्ट अटैक से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो 5 वो कारण हैं। सबसे पहला कारण है अनियमित दिनचर्या। पहले मैं कारण को बताऊंगा, उसके बाद कारण को एक्सप्लेन करूंगा और इन कारणों से कैसे बचा जा सकता है मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो पहला कारण है अनियमित दिनचर्या, दूसरा कारण इलेक्ट्रॉनिक्स का घेरा, तीसरा कारण है आपका नशा, चौथा कारण है तनाव और 5वां जो कारण है वो हम और आप स्वयं हैं, मतलब हमारी जो आदतें हैं उससे भी हमें हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो जो सबसे पहला कारण मैंने बताया वो अनियमित दिनचर्या, इसका अर्थ होता है, अनियमित दिनचर्या का मतलब है कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, कब खाते हैं, कब काम करते हैं, इसका आपने कोई ध्यान नहीं रखा हुआ है, ना आज की पीढ़ी चीज़ों को समझना चाहती है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं जो आपके शरीर को ऐसा मेंटेन रखती है कि कब किस केमिकल और किस हार्मोन का बनना ज़रूरी है। यदि आप हमेशा अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते रहेंगे अपने अनियमित दिनचर्या से, तो फिर आपको बीमारियां होना प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें सबसे प्रमुख बीमारी है हृदय रोग यानी हार्ट की बीमारी। फिर आप हार्ट अटैक की तरफ बहुत तेज़ी से घिरते हुए चले जा रहे हैं। नंबर दूसरा जो कारण मैंने बताया वो इलेक्ट्रॉनिक्स का घेराव। हम लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इन सब से तो आज के इन सब के बिना काम चल नहीं सकता, लेकिन कम से कम हम इनसे जो हमारी सिटिंग पोजीशन है, हम कंप्यूटर को अपने घर में थोड़ा दूर लगा सकते हैं, जहां हम खाना खाते हैं वहां ना लगाएं, या हम अपने मोबाइल्स को इस पॉकेट में ना रख के पीछे की पॉकेट्स में रखें, अपने बैग में रखें, जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो कार में भी आप फ़ोन होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के घेराव से थोड़ा बचें, हो सके तो खाली समय पार्क आदि में जाएँ। तीसरा जो मैंने बताया, तीसरा पॉइंट था नशा। नशा, यदि आप अल्कोहलिक हैं या आप सिगरेट पी रहे हैं, नशा, हर प्रकार का नशा जो है वो हृदय रोग में बहुत ही मदद करता है, मतलब कि वो उसको बढ़ावा देता है रोग को, क्योंकि नशे से आपके हार्ट की ब्लॉकेज यानी कि आपका जो फैट है वो फैट लेवल बढ़ता है, उसमें कुछ ट्रांस फैट बन जाते हैं जो आपके हृदय की नलिकाओं को जाके ब्लॉक करते हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आप खुद क्रिएट करते हैं, मतलब कि आप जो है जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाते हैं, आप घर का खाना नहीं खाना पसंद करते, आप अपने स्वाद पर चले जाते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके हृदय रोगों को बढ़ावा देते हैं। और आप अभी भारत में देखा गया है, एक स्टडी ने रिवील किया है ये बात कि भारत में 2015 के बाद जो है प्री मेच्योर हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। उसका भी कारण यही रहा है कि भारत की जो रहन सहन दिनचर्या है उसमें काफ़ी 2010 के बारे में 2000 सन 2000 से ही काफ़ी बदलाव किया गया। इन लोगों ने अपने चलन के खान पान को बदलकर नए खान पान को जोड़ा है, जिसमें मोमो, चाउमीन, बर्गर, ये सब बहुत हृदय के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और इनका पहले से ही बहिष्कार पाश्चात्य देशों ने कर दिया है, तो अब ये खान पान हमारे यहाँ ऐड होते हुए चले जा रहे हैं। तो आखिर आप जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात करी थी कि आप इन सबसे कैसे बच सकते हैं, तो आप बच सकते हैं जैसे कि आप कोशिश करें आप घर का खाना खाएं, सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी खाना खाकर सोएं, इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। गर्म गुनगुना पानी पीते रहें, कुछ नहीं करें तो आप महीने में 7 दिन गर्म गुनगुना पानी पिएं, बाकी समय पर आप कैसा भी पानी पी सकते हैं। कोशिश करें कि आप नशे से बचें, नशे के से बचने का अर्थ है कि अगर कोई भी सिगरेट पी रहा है तो उसके आसपास भी यदि रहेंगे तो आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से बचें। योग आदि करें, उससे आपको तनाव से मुक्ति रहेगी, क्योंकि आपका जीवन यही है, सफलता का अर्थ बदल गया है, लोग भाग दौड़ और रेस में लगे हुए हैं, तो उस रेस को जुड़ने से पहले जो आपको करना है वो डिसाइड करें और एकाग्र होकर करें, ना कि आप आफादापी में कोई काम शुरू करें जिससे आपको तनाव हो। यही सब 5 पॉइंट्स आपको मुझे आज बताने थे जो अभी रिसर्चेस के माध्यम से डॉक्टर मनचंदा, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हेड हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो रिपोर्ट्स उनकी सबमिट हुई थी, तो हमने सोचा कि मैं अपने परिवार से इस बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे बताते हैं और मुझे कोई समस्या होगी तो मैं आपको बताऊँगा। एक बढ़ता हुआ 50,000 का परिवार वैद्य अभिषेक कुमार वत्स से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये आप सबका प्यार है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तब तक आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।